इस उम्र में हमें ये महसूस करने लगा हूँ कि पहले जैसे मेरी तकारीर आप न सुनी, अब न वैसा बोल सकता हूँ न उतनी देर बैठ सकता हूँ। एक बात आप लोगों के जहन में, हमेशा ताजा रहना चाहिए कि हम सुन्नी हैं, सुन्नत व जमात, अपने आप को अहल सुन्नत व जमात कहने के बाद भी कुछ गुमराह लगते हमारे दरमियान आ गए, अपने आप को वो भी अहल सुन्नत। चुनाचे हमारी पहचान सिर्फ अहल सुन्नत व जमात कहने से पूरी नहीं होती, हमको ये कहना चाहिए कि हम मतलब के आला हज़रत के पास। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये मोहर लग गई, इस मोहर को कोई मिटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अहल सुन्नत कहने वाला कहता रहे जब तक वो आला हज़रत के मतलब का अपने आप को पामर नहीं बताएगा, वो सच्चा और पक्का अहल सुन्नत नहीं। देश भर हर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक गुजारिश और करना चाहूंगा, अब चूंकि उम्र के तकाजे साथ नहीं, ज्यादा देर बोलने की हिम्मत नहीं होती, अगर कुछ बातें आपके गोशोगुजार करके भूल जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल इधर चंद माह में मैंने कई मसाजिद और मदारिस की बुनियादें रखी। सुभान अल्लाह। बुनियाद रख देना मेरा काम है। क्या बुनियाद से आपका मंशा पूरा हो गया? आपने जिस इरादे से बुनियाद रखवाई वो हो गया पूरा? नहीं नहीं, अभी शुरुआत हुई है। बुनियाद रखी आप, उस पर एक इमारत की तामीर होना अपने आप बन जाएगा। आपके मालिक आवन से बने बन गई इमारत, मस्जिद में नमाज भी होने लगी, तलबा मदरसे में पढ़ने भी लगे। अब इसको कायम रखना और आगे ये मदरसा कायम रहे, मस्जिद नवाजियों से आबाद रहे, ये किसका काम है? बेशक अपनी उस जिम्मेदारी को याद रखते हैं। कितनी मसाजिद की बुनियाद आपके बुजुर्गों ने रखा है, और मसाजिद तो बनी है, नमाज नहीं आई। बेशक क्या बनी? क्या मसाजिद बनाने का शौक है, मदारिस बनाने का शौक है? अब ये मदारिस बन गए, मसाजिद बन गई, इनको आबाद कौन करेगा? तो वो तुम्हारी औलाद है। बेशक आपने अपने दिल में, अपनी औलाद के दिल में नमाज की अहमियत उनके कल्ब में बिठाई, आपने नमाज की फर्जियत समझाई, कुछ समझी आपने? क्या बोले बाजार आबाद है, मस्जिदें वीरान है, अजान हो रही है, अपने काम में मसरूफ है, मस्जिद की तरफ आपका कदम नहीं उठता, क्यों? आप ये समझने लगे हैं शायद कि हमने मस्जिद को बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर ली,
आपकी जिम्मेदारी शुरू हुई, अब इस मस्जिद को आबाद आपको रखना है, आपकी औलादों को रखना है। भाई इतना तो समझो, मरते मरते माफ नहीं है नमाज। अगर हाथ पैर नहीं हिलते तो इशारे से बोलो, मगर पढ़ना पड़ेगी नमाज। मेरे अजीज मुझे कुछ बातें याद आ रही है। पुराने मिल्लत के दौर में हमारे घरों में मुसलमानों के घरों में कुछ ऐसी रस्में जारी थी जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं थी। मसलन फेरे लगवाना, नारियल तोड़ना वगैरह वगैरह, उनकी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा। कुछ ऐसी रस्में थी जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। इन तमाम रस्मों को गुनाह मिल्लत ने खत्म फरमाया। देहातों में बड़े ऐसे ऐसे इलाकों तशरीफ ले गए आप, सब तकलीफ उठाकर कि लोगों को ये बताएं कि तुम मुसलमान हो तो क्यों हो, और तुम्हारे ऊपर क्या चीजें बढ़ रहे हैं, और किन चीजों को तुम्हें अपनाना है और किन को छोड़ना है। बेशक हाँ क्या सुभान अल्लाह, बेशक वो रस्में आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घरों से ना पाए। भाई साहब मैं बैठा हूँ जिस जगह पर, मुझे आप नहीं देखे, मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ जैसा भी हूँ, आप उस जगह की इज्जत करें जहाँ मुझे बुजुर्गों ने बैठाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिठाने वाले बैठने वाले बिठाने वाले सुभान अल्लाह। और हम क्या करते हैं, हमको जो कुछ मिला है बरेली से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत फाजले बरेली जबलपुर को साली बरेली बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد। जबलपुर के अलावा इसी और शहर को आला हजरत ने साली बरेली ले लिया। बेशक बेशक। और आप जानते हैं बाद में लोगों ने अपने नाम के साथ लगा लिया, मगर हकीकत ये है कि अपना रूहानी बर्तन कहने वाले आला हजरत सबसे पहले, और उसके बाद मैंने कहा किसी को कहा पुरान मिल्लत को कहा ये सब 40,000 के मजमे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बुरहानी मिल्लत, कि मेरा जिस्मानी बेटा उस सफा रहा है और मेरा बुरहानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दाया हाथ उस सफा रहा है, बायां हाथ बुरहान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मर्तबा आला हजरत ने अता फरमाया तो क्यों अल्लाह। और आप बहुत सी बातें जहन में आ रही हैं, मैं चाहता हूँ किसी मौके पर आप हजरत को बताऊंगा कि आला हजरत ने इस खानदान को क्या नहीं दिया। अगर आला हजरत ने हमको जो कुछ दिया और आला हजरत ने अपनी जिंदगी से अपनी नस्बत को हमने इस्तेमाल किया होता और पीली मुरीदों को अपना पेशा बनाया होता तो जबलपुर में हमसे बराबर हमारे बराबर कोई नहीं आलीशान कोठियों में रह रहे होते, करोड़ों झील रहे होते, मगर उसी पुराने मकान में 200 साल पुराने मकान में आज भी रहे। नारे रिसालत, खानदान सिद्दीकी करीमी, हुजूर हामिद मिल्लत जिंदाबाद, फैसले हुजूर बुरहानी मिल्लत जिंदाबाद, फैसले हुजूर बुरहानी मिल्लत जिंदाबाद, फैसले हुजूर बुरहानी मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर हामिद मिल्लत जिंदाबाद, हुजूर हामिद मिल्लत जिंदाबाद। जनाब मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश, जनाब मुफ्ती आजम मध्य
पढ़ना मिले तो जरूर पढ़िए। और जबलपुर में उनके सफर के बारे में जो तफसीलात दिए वो भी पढ़िए। आला हजरत फाजल बरेली सिवाय बरेली और हरमैन शरीफ के कहीं इतना तवील कयाम नहीं मिलता जितने जबलपुर में। बरेली के अलावा और हरमैन शरीफ के अलावा महीनों कहीं आला हजरत जमा तस्वीर किया है 15 दिन कयाम, दूसरी जगह तस्वीर जाए एक और घर के अलावा बरेली के अलावा अपने खानदान के अलावा आला हजरत ने किसी खानदान में 3 खलीफा पहले खलीफा हजरत इस्लाम दूसरे खलीफा और तीसरे खलीफा कारी बशीरुद्दीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आला हजरत की नवाजात आप देखे किसी और खानदान के साथ ये नवाजात आपको मिले तो आप समझिए कि हमने कोई खास आवाज नहीं है। ये इम्तियाज है जबलपुर का कि सबसे तवील कयाम और 3 खलीफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ये है कि वही आला हजरत के लिए जो कुछ अता फरमाया है हमारे बुजुर्गों को अता फरमाया उन्होंने हमको दिया हम वही आपको तकसीम करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम आपको जोड़ना चाहते हैं बरेली से, हम आपको जोड़ना चाहते हैं आला हजरत से अपने खातिर नहीं आपको हमारी तबीयत से गवारा नहीं करती कि आला हजरत राजा ने बरेली और सो राजा का दामन थामे जन्नत में जाए और हम खड़े देखते रहे नहीं हम भी आला हजरत का दामन थामे जन्नत और यकीन जानिए नमाजों को आप पढ़ते नेकियां करते हैं जब तक इतने खुलूस नहीं होगा वो अल्लाह की बारगाह में बेशक बेशक अल्लाह तुम्हारी नमाजों को नहीं वो नमाजें तुमसे इसलिए पढ़वाता है कि तुम्हारा रिश्ता उससे कायम रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या हो बुनियाद खुलूस बेशक दिखावे के लिए नहीं पढ़ो नमाज उसकी रजा के लिए सुभान अल्लाह वो है नमाज दिखावे के लिए पढ़े तो अजर तुमको कौन देगा जिसके लिए दिखाने के लिए तुमने पढ़ी वो तुमको कौन अजर देगा आखिर अपने कयाम रखे दिन वही देगा जिसके लिए तुम नमाज पढ़ो। हर नेकी के पहले अपने दिल पर झांक के देखो तुम पड़ोसी को दिखाने के लिए कर रहे हो रब को राजी करने के लिए कर यकीन जानो अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारी नीयत सही है तुम्हारा हर फेल अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अपनी नीयत नेकियां करो चाहे छोटी भी हो सकता है वो एक नेकी तुम्हारी बख्शिश के सबब बन जाए। नेकी को कम मत समझो चाहे कितनी ही छोटी हो सड़क पर सड़क पर तक तुमने हटा दिया सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तो यकीन जानो तुमने एक नेकी की और तुम्हारे नामा अमाल में दर्ज होगी। छोटी छोटी नेकियों को छोटी होगी तुम्हारी बचत का सामान बन सकती है। मेरे अजीज और सिर्फ आपको मेरा काम मेरे खानदान का काम
यही था कि मैं आपको आला हजरत से जोड़ूं, इसलिए कि उनका दामन और उनका सिलसिला जुड़ा है गौतु ख्वाजा से जुड़े हैं, हम आला हजरत से जुड़े हैं, उनके कदमों के लिए पीछे पीछे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अमल ले करना है, अपने अमल को जन्नतियों के जैसे अमल बनाना है, ऐसे अमल से दूर रहना है जो जहन्नमी अमल है। अल्लाह से आपको मुझे और सबसे महफूज रखे, ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي محمد سے وفات ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جہاں چیز ہے کیا لو سبحان اللہ سبحان اللہ محمد سے وفات اس کے رسول کبھی دل کے گہرائیوں سے کم نہ تمہارا آمین اللہ تعالی سلام آمین 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 آمین